भाई, मेरी मैडम जी विधायक जी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस आरती किन्नर को यहाँ से भगाया जाए। वो चोर हैगा, उसने कल भी एक ड्राइवर के लिए तलवार मारी तो उसकी थकबड़िया फट गई हैगी। मैंने सभी जिला आवेदन लगा चुकी हूँ सभी थानों में, वो चार साल से लगा रही होंगी, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले बोल रहे की पकड़ेंगे, वो चार साल से वो कुछ नहीं कर रहे हैंगे। चार साल से बहुत से आतंक मचाए हुए हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। दमोह के पथरिया में असली और नकली किन्नरों का विवाद काफी समय से चल रहा है। कई बार यह आरोप लगे हैं कि कुछ लोग नकली किन्नर बनकर लोगों से बधाई मांगते हैं और उन्हें जबरन परेशान करते हैं। इस बात की खबर अब किन्नर समाज के प्रमुखों को भी लग चुकी है। शुक्रवार दोपहर पथरिया में सागर के दर्जनों किन्नर पहुंचे, जिन्होंने नगर में एक जुलूस निकाला और लोगों को यह संदेश दिया कि कोई भी नकली किन्नर यदि उनके दरवाजे आता है तो उसे बधाई ना दी जाए और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाए। किन्नरों के भेष में लुटेरा है, चोर है, डाकू है, 10 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए भी उसके मुंह पे नहीं मानना। सारा नगर परेशान है, उससे सारा नगर परेशान है। पूरा पहले भी लड़ाई झगड़ा हुई इधर पथरिया के अंदर साहू जी से, जगह काम में 23,000 उनको भी बेचारों को बहुत परेशान करा गया। ऐसे किन्नरों को हम लोग चाहते गति पति का हम लोग रखना नहीं। इसके पूर्व में भी मामला आया था इसी प्रकार से, क्या कहते हैं आप? पथरिया नगर में बहुत ज्यादा दानागिरी टाइप की चल रही है, किसी के भी परिवार में कम है, और जो आरती गुरु के नाम से जो किन्नर है गरीब आदमी 50,000-20,000 लेते हैं और उनको मना करने पर लड़ते झगड़ते हैं। सबको राधे राधे, मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किन्नर मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गोलू दीदी। ऐसा है कि जो यहाँ जो किन्नर रहते हैं, नकली किन्नर, उनके साथ जेब कतरे चोर लोग रहते हैं। हमारे पथरिया, शाहपुर, सानोदा, पूरा क्षेत्र बहुत परेशान है। पहले भैया के घर में खुशहाली आए, घर में आ जाके खुद दुनिया की लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस हो गया। तो हम लोग ये चाहते हैं ऐसे चोरों को हम लोग रखना नहीं चाहते, इज्जत वाले रहे, जजवान है हमें जिंदगी, इनको मांगना खाना है जिंदगी, आशीर्वाद देने जाना है इनके घर में हमें। तो आज हमारे सागर में भी देवरी के अंदर बोला चलो, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। चोरों के नाम इसलिए आवेदन देके आए प्रशासन से, आज चोर के निवेदन है चोरों को जरूर। पुलिस थाने में ज्ञापन देने पहुंचे किन्नर समाज की प्रमुख किरण बुआ ने बताया, उनके गुरु पूर्व महापौर कमला बुआ के निधन के बाद उन्हें शाहपुर, सागर, पथरिया और गढ़ा कोटा में बधाई लेने का जिम्मा दिया गया है। उन्हें पता चला कि कुछ लोग नकली किन्नर बनकर बधाई के नाम पर लोगों से वसूली कर रहे हैं, जिसमें एक आरती नाम का व्यक्ति भी शामिल है, जिसके साथ दया, महाराज, इरफान और सद्धू खान के अलावा कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। यह लोग लोगों को परेशान करते हैं और चोरियां भी करते हैं। किरण बुआ, मैं पथरिया में आई हूँ, यहाँ वो आरती किन्नर वो चोर रहता है, बाहर से आया है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसके साथ में चोर कटेंगे, चोर चार पांच वो चोरी करवाती हैगी, डाके डलवाती है, जेब कटवाती हैगी, है वो चोर वो आरती हम मांगती भी है जी। पहले भी है, 2 साल पहले भी कटर मरवाते, अभी कल उसने भरनाने की यहाँ हमारे ड्राइवर के लिए तलवार मारी हैगी। हम रेफर करके बन्ना में रिपोर्ट करी और रेफर करा सागर में मेडिकल में भर्ती है। हमारा निवेदन है सभी बस्ती वालों से, नगर वासियों से, उसको कोई बधाई नहीं देवे, उसका कोई यहाँ पर रखे नहीं, जहाँ मिल जाए उसके लिए बंद करवाओ। हमारा
निवेदन है सभी बस्ती वालों से, नगर वासियों से। नंबर दे आप थाने पहुंची हैं, क्या कार्रवाई? हम थाने में आए हैं, हमने आवेदन लगाया है, हमारी सुनवाई करवे। किन्नर किरण बुआ ने बताया है कि जब इन असामाजिक तत्वों को उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उन्हें भी धमकी दी गई। यह लोग लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं और क्षेत्रों में जाकर किन्नर समाज को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इन असामाजिक तत्वों को कोई भी किन्नर समझकर बधाई न दें। इसके अलावा इन्होंने पथरिया थाने में एक आवेदन भी दिया है कि इनसे संबंधित असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। कि जो आरती किन्नर इधर रहता है, पूरे पथरिया का जजवान, नगर वासी सारे सब लोग परेशान हैं। उसके साथ दो तीन चोर चुरकट रहते हैं, जेब कट रहे साथ में रहते हैं, तो इसलिए सारे नगर का आदमी बहुत परेशान है ना। जजवानों की खबर हमारे यहाँ जाती है रंग महल सागर में, तो इसलिए हमारे सारे किन्नर देवरी से और अपने दमोह से, गड़ाकोटा से, पथरिया से सब लोग मिलके इसीलिए आए हैं है ना। सब पूरे सारे किन्नर मिलके आए हैं। कल हमारे जो इतवारी टोरी पे रंग महल सागर में किरण नायक रहती हैं, उनके ड्राइवर शहीद भाई हैं, कल इन लोगों ने रास्ता में गाड़ी रोककर छेड़खानी करके तलवार मार दी उनके लिए, लूटमार करी। कल बंडा थाने में हम लोगों ने एप्लीकेशन दर्ज करवाई, वहाँ डॉक्टरिंग करवाई है और बंडा से सागर के लिए रेफर करा गया है शहीद भाई के लिए, तो वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसीलिए हम लोग थाने के अंदर आए हैं और हमारे ATI साहब से ये कहना है कि जो चोर यहाँ रहता है पथरिया के अंदर, आरती तुला और कौन कौन रहते लड़के, वो दया, तो ये चोर सद्दू पद्दू, ये चोर हैं, इनके लिए जरूर पकड़ा जाए। प्रशासन से हमारा ये निवेदन है।